नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों आज हमारे फार्म में बर्ड का 24वां दिन है और मैं अपने फार्म में आपको दिखा रहा हूं कि 24वें दिन हमारे फार्म का मैनेजमेंट कैसा है, बर्ड कैसे हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने फार्म में बरसात के मौसम में कुछ विशेष ख्याल भी रखें। बरसात के मौसम में फार्म में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, फिर बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मर भाइयों को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसलिए बरसात के मौसम में जब भी पानी बरसने लगे और थोड़ी हवा चल रही हो तब पर्दों को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ से बंद कर दें और पर्दे ऊपर की तरफ से खुले रहें ताकि वेंटिलेशन बना रहे। अगर नीचे की तरफ से थोड़े थोड़े पर्दे बंद कर देंगे तब पानी की बौछार फार्म के अंदर नहीं आएगी और जो फार्म में लिटर है नीचे, जो भूसी बिछी हुई है, या भूसी जो है खराब नहीं होगी, इसमें नमी नहीं आएगी। दोस्तों बरसात के मौसम में लिटर नीचे गीली हो जाती है, फार्म में नमी बढ़ जाती है और जो हम फीड रखे हुए होते हैं, तो जो ये कंपनियां हैं जिनसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं एग्रीमेंट करके, इनकी बोरी इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसके अंदर नमी न जा पाए। जो प्राइवेट फीड, जो फार्मर लोग प्राइवेट फीड खिलाते हैं, जिसे प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, तो उनकी बोरियां तो बहुत अच्छी होती हैं, प्लास्टिक कोटेड होती हैं, उनमें नमी नहीं जा पाती है। लेकिन जो कंपनी हैं जो ये सब एग्रीमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग कर रही हैं, इनकी बोरियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं तो इनमें नमी पहुंच जाती है फीड में। अगर फीड में नमी पहुंच गई है तब तो फिर जो है फीड भी खराब होने लगता है, उसमें टॉक्सिसिटी आने लगती है, उसमें कवक फंगस लगने लगता है। तो अगर उसी फीड को बर्ड खाते हैं तो बर्ड के आंतों में टॉक्सिसिटी हो जाती है। और अगर जो है हम अपने फार्म में ध्यान नहीं देते हैं, बर्ड में टॉक्सिसिटी हो जाती है तब बर्ड फिर फड़फड़ा कर मरने लगते हैं और मोर्टिलिटी बढ़ने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने फार्म में ठीक से घूम कर देखें कि फार्म में नमी तो नहीं है ज़्यादा, और भूसी की गुड़ाई खूब ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, भूसी नीचे जो बिछी हुई है लिटर, ये सूखी है कि नहीं है, इसकी खूब ठीक से गुड़ाई करते रहें ताकि नीचे भूसी सूखी रहे। और फीड को हम एक अच्छे जगह पर रखें ताकि उसमें नमी ना पहुंचने पाए। इन सब बातों का हम ध्यान रखते रहेंगे तब फिर जो है हमें बरसात के महीने में भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके फार्म में 20-25 दिन के बर्ड हैं, मोर्टिलिटी होने लगी है, बर्ड फड़फड़ा के मर रहे हैं, तब आप अपने फार्म में ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बर्ड में टॉक्सिसिटी तो नहीं है। और अपने फीड को भी चेक करिए, फीड जैसे मान लीजिए ये बोरियां जो हैं, जो कंपनी की बोरियां हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, बहुत अच्छे से प्लास्टिक कोटेड नहीं होती हैं, इनमें नमी पहुँच जाती है। तब फीड को आप देखेंगे जहाँ पर नमी पहुँची होगी वहाँ पर फीड का कलर चेंज होने लगता है। और बरसात के महीने में आप जब ध्यान देंगे तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो टेम्परेचर मीटर है, घड़ी है, समय वगैरह भी इसमें बताता है, डेट मंथ बताएगा और नमी बताएगा। नमी दोस्तों देखिए इसमें हाई लिखा हुआ है, यानी कि बरसात का महीना है तो नमी इस समय वातावरण में बहुत है और इसी नमी की वजह से बर्ड में टॉक्सिसिटी आ जाती है, फीड पे फंगस लगने लगता है। तो इन सबसे बचाव के लिए हम एक दवा यूज करते हैं, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, दवा है एंटॉक्स। तो मैं आज अपने फार्म में यही दवा यूज कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग भी इस दवा को देख लीजिए, एंटॉक्स नाम है इसका, और इसको मंगा कर रखिए अपने फार्म में बरसात के महीने में और जाड़े के महीने में इस दवा का प्रयोग करिए। इसमें 100 ml में 25% कॉपर सल्फेट, 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 2% प्रोपियोनिक एसिड, 1% फास्फोरिक एसिड और 0.05% कोलाइन क्लोराइड होता है।
और इसको चिक्स को तो आधा ml प्रति लीटर पानी में देना है, और ब्रॉयलर बर्ड को जो लगभग 20-25 दिन के हैं उनको 2 ml प्रति लीटर पानी में देना है। और इसका काम है एक्ट्स वेल ऑन टॉक्सिन्स एंड माउल्स, यानी ये टॉक्सिसिटी विषाक्तता रहती है बर्ड के पेट में उसको बाहर निकालती है और कवक को बढ़ने से रोकती है। कंट्रोल द पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन द गट, यानी जो पाचन तंत्र में रोगजनक बैक्टीरिया हैं उनको कंट्रोल करता है, और इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वाटर बाई रिड्यूसिंग पीएच, पानी का पीएच भी कम करता है जिससे बर्ड पानी खूब अच्छे से पीते हैं। दोस्तों मेरे फार्म में इस समय जो बर्ड हैं तो मैं अपने फार्म में डेली देखभाल करता हूँ, दो सेट बने हुए हैं, इन दोनों सेट की डेली देखभाल करता हूँ ताकि इनमें बीमारी ना आने पाए और प्रॉफिट अच्छा मिले। तो दोस्तों आप भी इस दवा का प्रयोग करिए, एंटॉक्स दवा है, इसका प्रयोग करिए, लगभग 2 दिन चलाइए इसको सुबह के पानी में। जब इसका प्रयोग आप करेंगे तब जो है आपके बर्ड बढ़िया एकदम स्वस्थ रहेंगे, और बर्ड में जो टॉक्सिसिटी आ जाती है फीड में जो नमी के कारण फीड खराब होने लगता है और उसी फीड को बर्ड खाते हैं तब बर्ड फिर मरने लगते हैं, तो इस सबसे बचाने के लिए आप इस दवा का प्रयोग करें और अपने फार्म में खूब ध्यान रखें ताकि बरसात के महीने में भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों के लिए यह वीडियो हमने बनाया है। कृपया जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।